That is the entrance exam for admission to the

मेरी हर क्लास को देखते हो और वो ये सोच के देखते हो कि ताकि आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए ठीक है तो मंडे को मैं आपसे पहले कह गया था कि परेशान मत होना आराम से से एंजॉय करना अपने फेस्टिवल को के आगे हम लोग बेहतर तरीके से उसी बेसिक के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं या फिर हम लोग दोस्तों करेंगे तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑन टाइम पर आपकी क्लास में आठ बजे और आज मैं आप सभी लोगों को दो बातें बताना चाहूंगा वो ये है दोस्तों की होली निकल चुकी है आचार संहिता देश के अंदर लगी हुई है लोकसभा के इलेक्शन जैसा कि आपको पता है आपके होने वाले हैं एक आध महीने में तो इलेक्शन तक आपके एग्जामिनेशन जो भी होंगे सारे के सारे डिले होंगे चाहे एग्जामिनेशन आप हुए भी हो सबसे पहले एस एस सी फेज ट्वेल्व के फॉर्म की जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से मतलब कह सकते हो कि खत्म हो चुकी है अब फॉर्म फिल नहीं हो पाएंगे जिसका हो पाया हो पाया जिसका नहीं हो पाया वो गया डेट बढ़ भी चुकी थी फिर भी अगर आपके फॉर्म फिल नहीं हुए हैं तो गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं गलती हम लोगों की हो जाती है तो फॉर्म फिल देख लो अपने अकॉर्डिंग सीपीओ की लास्ट डेट आने वाली है दो चार दिन रह गए सीपीओ का फॉर्म फिल कर लो तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहना ये जो वक्त है दोबारा नहीं आएगा चौबीस के बाद में जो चुनाव होंगे वो कब होंगे आपको पता है अट्ठाईस में में आगे और उनतीस तक हमारा जो भारत है वो कहा होगा आप खुद सोच सकते हो इसीलिए इतना ज्यादा डेवलप कर जाएगा कि सरकारी नौकरियों जैसी चीजों के तख्ता पलट हो जाएंगे कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है जैसे हिसाब से चीजें चल रही हैं सब कुछ लगभग में चीजें प्राइवेट में बदल जाएंगी और उसी हिसाब से फिर अपना देश आगे बढ़ेगा नो भी कोई इशू वाली बात नहीं बहुत अच्छी लेवल पे ये चीजें हैं दुनिया अगर बढ़ रही है तो हम लोग को बढ़ना पड़ेगा फिर चाहे प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन हो जाए या फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाए जो भी हो बेटर है तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग और आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतर होने वाला है डेली की तरह और कल से याद रखना दो चीजें आपको मैं बता दूं कल से दोस्तों एक पांच एम पर आपका सेशन जो होता था वो मॉर्निंग में होगा मंडे सोमवार मंगलवार और बुधवार तीन दिन की करंट अफेयर कल मैं मॉर्निंग में, में आपको कवर कराऊंगा जो छूट गई है और आठ पी पर आप लोग मेरे साथ डेली क्लास लोगे इन दो क्लासेस के अलावा दोस्तों याद रखना कल से आप लोग मेरे साथ इंटरनेशनल इवेंट भी किया करोगे दो दस दस पांच पांच मिनट के इवेंट होंगे जिसमें देश और दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी ये भी बात आप लोग ध्यान रखना ठीक है तो पांच बजे क्लास हो गई आपकी आठ बजे हो गई और एक इंटरनेशनल इवेंट कल से आप रेगुलर मेरे साथ में कवर करोगे जिस प्रकार से सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में बना हुआ है वो है दोस्तों आपका लद्दाख का ठीक है इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के मुद्दे आपको कल से मिला करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मलिक इख्तियार उद्दीन ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस जेल में कैद कर दिया था अगर मैं बात करूं दोस्तों सबसे पहले आपके रजिया सुल्तान की रजिया सुल्तान कौन थी रजिया सुल्तान याद रखना एकमात्र महिला शासक एकमात्र दोस्तों आपको याद रखना है एकमात्र मुस्लिम महिला एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी भारत की नहीं कहा की दिल्ली सल्तनत की अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक का नाम क्या था रजिया सुल्तान इनका नाम था इनके पिता के द्वारा इनके पिता के द्वारा पुत्र को गद्दी न देकर अपनी बेटी जिनका नाम था रजिया सुल्तान इनको ये तो दोस्तों गद्दी सौंप दी गई थी उसके बाद ये गद्दी पर पधारे ज्यादा लंबे समय तक इनका कार्यकाल नहीं चल पाया क्योंकि जब पुरुष प्रधान होता है समाज का उस टाइम पे महिलाओं की उतनी नहीं चलती जितनी दोस्तों चलनी चाहिए इसी प्रकार से इनको लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया और अंत में दोस्तों इनकी डेथ हो गई इनका जो कार्यकाल चलता है ज्यादा नहीं चल पाया इनका कार्यकाल कार्यकाल खुद से से इनके को स्टार्ट किया जाता है और बारह तक इनका कार्यकाल खुद मिला दिल्ली सल्तनत के तौर पर दोस्तों चलता है अगर आपसे ये पूछा जाए ये पुत्री किनकी थी इनके दोस्तों पिता का नाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए इनके पिता का नाम क्या था तो याद रखना इलतुस्मिस इलतुस्मिस दोस्तों ये नाम था जो इनके पिता थे ये बात हो गई अगर आपसे पूछा जाए कि किस किस किले में बंद किया था उस किले का नाम क्या है किला मुबारक है या फिर आपका गोविंदगढ़ है या फिर आपका सानपुर खांडी है या फिर आपका आनंदपुर साहिब है तो क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको किला मुबारक इज द करेक्ट आंसर किला मुबारक कहाँ पर मिलेगा देखने के लिए किला मुबारक आपको दोस्तों भटिंडा में देखने के लिए मिलता है भटिंडा कहां पर है भटिंडा लुधियाना इत्यादि आपको सारे पंजाब में देखने के लिए मिलेंगे तो आंसर जो आपका होगा भटिंडा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इलतुस और किला मुबारक इज द करेक्ट आंसर इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा क्वेश्चन है आगे आइए भारत के किस राज्यों भारत के दोस्तों आपसे पूछा है भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां देखने के लिए मिलती हैं क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां देखने के लिए मिलती हैं दो नदियां हैं एक का नाम दोस्तों सियांग है और एक नदी का नाम जिसको आप लोग लोहित नदी के नाम से जानते हो आपने पढ़ा होगा भारत के अंदर नदी संयंत्र वगैरह जो भी है चिंता मत करो अब होली आपकी खत्म हो चुकी है त्योहार अब जो होंगे बहुत काफी टाइम बाद होंगे तो नोट करके याद रखना मैं आपको वर्ल्ड मैप भी स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से दोस्तों वर्ल्ड मैप हर राज्य का हर राज्य का प्लस यूनियन टेरिटरी का आपको दोस्तों राज्य दर्शन राज दर्शन इस वेब पर हर प्रकार और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व से संबंधित इंटरनेशनल मुद्दों के साथ साथ मैं हर के तो के में हर टॉपिक की एक नदियां देखने को मिलेंगी हमेशा इन नदियों से दो बातें याद रखना कि ये दो नदियां भारत के अंदर नहीं ये भारत के दोस्तों किस इलाके में तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में बहती हैं जिसको हम लोग दोस्तों पूर्वोत्तर के नाम से जिसको हम लोग पूर्वोत्तर के नाम से जानते हैं पूर्वोत्तर क्या है तो पूर्वोत्तर आपको पता होगा ये हमारा भारत है नीचे तमिलनाडु है ऊपर जम्मू कश्मीर है इधर आपका गुजरात है इधर आपको आपका नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए मिलता है नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है ये एरिया नॉर्थ ईस्ट समझ गए नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पर आपको पूरा पश्चिम दोनों बीच की दिशाएं देखने के लिए मिलेंगी तो ये एरिया होगा नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर जो स्टेट है आपके वो कौन कौन से है यहाँ पर सेवन प्लस वन याद रखना वन में गिनती की जाती है जिसको आप लोग सिक्किम कहते हो और जो सेवन है इनको कहा जाता है बहन तो सात बहनों का भाई भी आपका सिक्किम कहलाता है क्लियर ठीक है तो ये एरिया पूरा का पूरा कहलाता है नॉर्थ ईस्ट का तो ये दो नदियां सियांग और लोहित नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहती हैं अब ये प्रॉपर किस राज्य में बहती हैं उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है नहीं है अरुणाचल प्रदेश असम है दोनों है सिक्किम वेस्ट बंगाल सिक्किम है लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं है हिमाचल प्रदेश पंजाब दोनों ही नहीं है एकमात्र ऑप्शन बिना कहे बिना सोचे क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया वो एक्स्ट्रा थी पहचानने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओगे एग्जामिनेशन में सीधा दो मारोगे और आप लोग दोस्तों आगे बढ़ जाओगे दूसरी बात याद रखना ये दोनों वो नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की ये दोनों दोस्तों वो नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की ठीक है ये ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं ओर की सहायक नदियां हैं ठीक है किस ओर से याद रखनी है आपको ये दोनों वो नदियां हैं दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं किनारे की यह याद रखना बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं बाएं किनारे की यह याद रखना ही आपको ये याद रखना है आपको बाएं किनारे की सहायक नदियां दोस्तों बन जाती हैं यहां पर एकमात्र महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पहाड़ी है जिसका नाम आपको पता रखना पड़ेगा जिसको हम लोग दोस्तों मिसमी के नाम से जानते हैं मिसमी पहाड़ियां भी आपको याद रखनी है इन्हीं पहाड़ियों से होकर ये दोनों नदियां क्या करती हैं गुजरती हैं इसी प्रकार से याद रखना है यहाँ पर हाल ही में एक पुल बनाया गया उस पुल का नाम है ढोला सादिया बहुत बार पूछा भी गया है ढोला सादिया ब्रिज का संबंध कहाँ से है जिसका नाम बदल कर कर दिया गया भूपेंद्र हजारिका जिस पुल का नाम बदलकर भूपेंद्र हजारिका कर दिया गया इन दोनों का संबंध दोस्तों इन्हीं नदियों से है यह बात याद रखना मोस्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आपका बन जाता है आगे बढ़िए सर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेथ द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट इन द पार्लियामेंट कहने का मतलब यह है हमारे भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि भारत के अंदर नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को प्रदान करता है मतलब एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिस आर्टिकल का प्रयोग करके संसद भारत के अंदर नए राज्य गठन कर सकती है वो आर्टिकल है दो है एक है आर्टिकल चार है, या फिर आपका आर्टिकल तीन है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए सर वॉइस बढ़ा दीजिए वॉइस ज्यादा आ रही है क्या हाँ ससुर कुमार जी बहुत बढ़िया सर मिस आ, मैं मत बोलो बहुत दुखता है क्यों दुखता है सर मिस मैं सर मिस में मत बोलो मैंने बेजुबान जी आपकी मैं बात नहीं समझ पाया आप कहना क्या चाहते हो ठीक है और अब वॉइस कम आ रही है का मतलब है एक मिनट रुकना आप अपने मोबाइल की वॉइस को तो फुल कर लो थोड़ा ठीक है और यहाँ पर जो वॉइस का इशू है ना वो हेलो वो थोड़ा इशू अलग है और इन चीज़ों पर हम क्या ही बताएं अभी थोड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी समझनी पड़ेंगी ठीक है फिर ये चीजें सही होंगी लाइन पे आएंगी हेलो 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 hello 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 hello, hello. हेलो वाई सही तो नहीं है क्योंकि यहां पर दो लाइनें होती हैं ना तो वो बिल्कुल सेम नहीं है तो आज काम चला लो उसके बाद जो है ना वो सही करते हैं ठीक है ठेके? आज काम चला लो बाकी धीरे धीरे चीजें सिस्टमेटिक हो जाएंगी तो बात कहां पर थी आर्टिकल में थी और आर्टिकल आपसे ये कह रहा था कि वो आर्टिकल भारत की पार्लियामेंट जिसको हिंदी में आप संसद कहते हो संसद को पावर दे देता है और संसद से ये कहता है या संसद के पास ये पावर होती है

वैसे आर्टिकल तीन सही है मतलब ऑप्शन जो चार है वो सही है आपका ऑप्शन जो चार है ऑप्शन जो चार है वो सही है वो कैसे है सुनिए आर्टिकल चार में आपसे क्या कहा जाता है आर्टिकल तीन में आपसे ऑप्शन चौथा है कंफ्यूज मत होना ऑप्शन चौथा है आर्टिकल तीन है आर्टिकल तीन क्या कहता है नए राज्यों का निर्माण ठीक है क्या कहता है आर्टिकल चार कहता है नए राज्यों का निर्माण आप करोगे राज्य के क्षेत्रों से संबंधित ठीक है राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधान आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे विभिन्न प्रकार के राज्यों में अगर आप नाम का परिवर्तन करते हो तो इसका प्रयोग होगा रिसेंटली न्यूज में ऐसा करने वाला भारत का राज्य कौन सा जो नाम में परिवर्तन कर रहा है उस राज्य का नाम याद रखना केरल होगा केरल अपने राज्य के नाम बदलकर केरलम कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का अब आ जाओ आर्टिकल नंबर दो क्या कहता है आर्टिकल नंबर दो कहता है नए राज्यों की आर्टिकल नंबर दो कहता है नए राज्यों की स्वीकृति आर्टिकल दो कहता है नए राज्यों की नए राज्यों की दोस्तों स्वीकृति स्वीकृति जो होगी वो आपको कहां से मिलेगी दो से आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है नाम और संघ की सूची विभिन्न प्रकार के नाम तथा विभिन्न प्रकार के नाम तथा संघ की सूची आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन याद रखना है आर्टिकल चौथा जो है वो कहता है पहली तथा चौथी दोस्तों जो अनुसूची है पहली तथा चौथी जो अनुसूची है इसके अंदर क्या हो सकता है इसके अंदर संशोधन से विभिन्न प्रकार की बातें शामिल होती हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एमोंग द टॉप फोर स्टेट इन जीएसडीपी इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जीएसडीपी में शीर्ष चार राज्यों में दोस्तों प्रथम स्थान पर है उसमें से याद रखना नंबर चार राज्यों में हरियाणा आता है गुजरात है कर्नाटक है और आपका तेलंगाना है हरियाणा राज्य आपको याद रखना है वैसे ये पुराना डाटा है ये पुराना डाटा है इसको आप याद मत रखो इसको स्किप कर दो करेंट से रिलेटेड है लेकिन ओल्ड क्वेश्चन है सर जी निजा निजा राजवंश ने डैश की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था किसकी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले तो इनमें से दोस्तों कौन सा इलाका है इनमें से कौन सा इलाका है जहां पर राजवंश ने क्या किया था शासन किया था किस रियासत पर शासन किया था छत्तीसगढ़ पे शासन किया मणिपुर पर शासन किया उड़ीसा पे शासन किया या फिर आपके सिक्किम के अंदर दोस्तों शासन किया था जो राज्य जो राज्य न्यूज में है उसको आप मणिपुर याद रखना मणिपुर के अंदर दोस्तों याद रखना मणिपुर के अंदर ही न्यू डाली गई थी निंग मणिपुर के अंदर ही न्यू डाली गई थी थिंग निंग थौजा ठीक है निंग थौजा जो राजवंश है जो राजवंश है इसकी नींव कहां पर पड़ी थी इसकी नींव भी आपके मणिपुर राज्य के अंदर पड़ी थी इस राजवंश का अन्न नाम क्या था शायद आपने दूसरा नाम पढ़ा होगा इस राजवंश 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 का नाम 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 क्या था? इसको मगंग के नाम से, इसको मगंग मगंग के के से से दोस्तों जानते थे इनका मतलब क्या होता है हिंदी में इनका मतलब होता है राजा की संतान क्या होता है इसका मतलब होता है राजा की संतान इस हिसाब से क्वेश्चन याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है आपका Who 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 was a, who was a a renowned poet of of Tamil Nadu? championed the cases of woman liberation? के कौन थे महिलाओं की मुक्ति का समर्थन किया था ऐसे तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति का समर्थन किया था महिलाओं की मुक्ति का मतलब सर क्या होता है महिलाओं की मुक्ति में सबसे बड़ी चीज होती है जिसको हम लोग दोस्तों सती प्रथा के नाम से जानते थे अब महिलाओं में सबसे बड़ा पॉइंट आता है दहेज प्रथा के नाम से हमारे गांव वगैरह में आप देखना जाके जब भी हम लोग अपने गांव वगैरह इलाके में होंगे इंसान गांव का दो प्रकार का होता है एक इंसान जो होता है जब वो अपनी बेटी की शादी जब उसकी बेटी शादी लायक नहीं होती है तब तो वो दहेज के खिलाफ होता है जब उसकी बेटी शादी लायक हो जाती है तो वो एक लड़का ढूंढता है कि लड़का अच्छे घर का वो अच्छा कमाता हो और ऐसे ले लूटे कुछ लोग होते हैं जो पचास लाख साठ लाख अपने लड़कों को औलादों को बेचते हैं सीधी सी बात है इसमें बेचना ही होता है फिर तो जो इंसान दहेज के खिलाफ था वो इंसान क्या कहता है उसकी थिंकिंग बदल जाती है तो इसलिए गाँव के लोगों का कोई वजूद नहीं होता है ना समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो ये चीजें होती हैं इसलिए अब होता क्या है आमतौर पर लोगों ने दहेज लेना बंद कर दिया क्योंकि ये डाउरी सिस्टम है जो कि बहुत गलत है लेकिन हाँ कुछ जगह पर ऐसा होता है कुछ लोग क्या करते हैं अपने बेटी को देना चाहते हैं कोई सामान वगैरह आप नॉर्मली अपने क्लास में अपने से दे सकते लेकिन दहेज प्रथा दस बीस पचास सात लाख ये चीजें बहुत गलत होती है सुना तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि कौन थे जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति का समर्थन किया था महिलाओं की मुक्ति का जिन्होंने समर्थन किया था उनका नाम वीरा मगई वेलू नाथियार है पुली थेवर इनका नाम धीरेन चिन्ना मलाई इनका नाम था सुब्रमण्यम भारती भारती का नाम याद रखना ये महिला सुधारक थे समाज सुधारक थे भारत के अंदर स्वतंत्रता से संबंधित लड़ाई में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था फ्रॉम तमिलनाडु से भारत सरकार किस वर्ष संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया हमारे भारत सरकार ने दोस्तों किस वर्ष शुरू किया था संपूर्ण स्वच्छता अभियान बताइए उन्नीस सौ चौरानवे दो हजार चौदह दो हजार उन्नीस सौ दो हजार चौदह उन्नीस सौ निन्यानवे या फिर आपका 2007 आंसर बताइए क्या होगा सृष्टि जी गुरुदेव नहीं होता कुछ ऐसा कैसा कुछ नहीं होता हाँ जी लाइव क्लास है फिजिक्स भैया ठीक है अवनीता एक्सपेरसी देखो ऐसा होता है सौ में सौ में नब्बे परसेंट अभी भी लोग ऐसे हैं जिनका मुंह खुला रहता है दहेज के लिए ना नो no इश्यू उनका मुंह खुला रहता है लेकिन सौ में दस परसेंट भी लोग ऐसे राज्य जो दहेज प्रथा में नंबर एक स्थान पर है उस राज्य केरल के नाम से जानते हैं जो दहेज प्रथा में प्रथम स्थान पर है तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था 2014-2007 ठीक है सबकी आंसर गलत है ना उन्नीस सौ चौरानवे ना दो हजार चौदह उन्नीस सौ निन्यानवे जो होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अब सुनिए मेरी बात ध्यान से 1990 में, 1990 में हमारे भारत के अंदर जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम था संपूर्ण स्वच्छता अभियान उसके बाद दोस्तों याद रखना दो हजार बारह आती है दो हजार बारह में इसका जो नाम था दोस्तों दो हजार बारह में इसका जो नाम था वो क्या कर दिया गया नाम में दोस्तों परिवर्तन कर दिया गया अच्छा हाँ नाम में परिवर्तन करके इसका नाम निर्मल भारत नाम में परिवर्तन करके इसका नाम निर्मल भारत अभियान कर दिया गया निर्मल भारत इसका नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया और याद रखना दोस्तों 2014 में मोदी जी की सरकार के द्वारा इस योजना का नाम स्वच्छ भारत अभियान कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है स्वच्छ भारत अभियान कर दिया जाता है और महात्मा जी का चश्मा वहां पर रखा रहता है आपने देखा होगा इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज नॉट नॉट दोस्तों नेचुरल एनिमल निम्नलिखित में से कौन सा रात्रिचर प्रणाली प्राणी नहीं है रात्रिचर प्रणाली नहीं है निम्नलिखित में से कौन बताइए केरल इतना विकास होने के बावजूद भी देता है हाँ जी केरल के अंदर बहुत ज्यादा नंबर एक पर डाउरी सिस्टम में है टॉप पर ठीक है और असम राज्य के अंदर के साथ विवाह करने में टॉप पर है 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 ठीक वो आपका असम राज्य तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है गुड इवनिंग सर जी लेट हो गया सॉरी कोई बात नहीं भैया मेरे निम्नलिखित में से कौन सा रात्रिचर प्रणाली नहीं है चमकादड़ खरगोश चूहा या फिर आपका कॉकरोच इसमें से एकमात्र प्रणाली जो रात्रि चर नहीं है उसको हम लोग दोस्तों खरगोश के नाम से जानते हो ऑफ कोविड 19 चूहा ये सारे रात में रातर बंडे घूमते रहते हैं खरगोश एक जगह पर दोस्तों रहता है और वो अपनी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर देता है अपनी क्रियाओं को सक्रिय करता है सिर्फ और सिर्फ याद रखना दिन के अंदर सक्रिय करता है ठीक है अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है हिल स्टेशन अराकू आपको किस राज्य में देखने के लिए मिलेगा हिल स्टेशन जिस पे लोग दोस्तों क्या करते हैं शादी वगैरह जब लोगों की हो जाती है जब लोगों के दोस्तों शादिया वगैरह हो जाती है तब वो क्या कर मतलब तब वो अपनी होने वाली मतलब अपने लाइफ पार्टनर के साथ में लंबे टूर पर जाना चाहते हैं घूम के आना चाहते हैं तो उसी में से एक स्थान है जिसका नाम भारत के अंदर अराकू है अराकू आपको किस कहां पर ऐसी कौन सी कौन सा स्थान जहां पर आपको अराकू देखने के लिए मिलेगा आप मुझे ये बताइए अराकू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है नंबर एक पर आंसर आता है गोविंद उपाध्याय जी का बिल्कुल सही है तीन लोगों का आंसर आंध्र प्रदेश दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश के अंदर आपको अराकू देखने के लिए दोस्तों मिलता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना विशाखापट्टनम से लगभग 111 किलोमीटर और पश्चिम में स्थित है काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोग इसको याद रखना यहाँ पर एक एकमात्र जनजाति निवास करती है जिसका नाम भी अराकू जनजाति है सर जी बोम्बली बीड़ा डैश राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है किस राज्य का है बोम्बली बीड़ा एक क्वेश्चन मैंने पूछा है जिसका नाम है बोम्बली बीड़ा आप मुझे बस इतनी सी बात बताओगे हमारे भारत के अंदर एक राज्य है जहां पर बोम्बली बीड़ा सिद्ध संगीत वाद्य यंत्र किस राज्य से रिलेटेड है बताइए किस राज्य से रिलेटेड है बॉम्बली बीड़ा किस राज्य से रिलेटेड है बॉम्बली बीड़ा नेहा जी नंदकिशोर नंदकिशोर उर्मिला मेरे भाई आपकी फोटो डीपी में ऐसी लगती है जैसे आप एक सिलेक्टेड सल, कैंडिडेट हैं और आप अपना डीवी कंफर्म करा के बस बैठे हुए हैं और आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है और डेट भी आपको पता चल चुकी है बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में एक खुशी आने वाली मेरे भाई चलिए आंसर मध्य प्रदेश आ रहा है ठीक है जिसका भी मध्य प्रदेश है बहुत बढ़िया ऐसे ही आंसर गलत किया करो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश तीनों गलत हैं क्वेश्चन का आंसर एकमात्र जो होगा होगा वो आपका आंध्र आंध्र प्रदेश और प्रदेश और के अंदर याद रखना 2011 में ये बहुत ज्यादा फेमस था और ये इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इसको दो में क्या दे दिया गया जी टैग दे दिया गया जिसको हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन यह भौगोलिक संकेत के नाम से जानते हैं तो आंसर कुल मिला के बॉम्बली बीड़ा का कैसे संबंधित है आपको याद रखना है से रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से किस प्रकार की मिट्टी चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती है इसमें से एक ऐसी मिट्टी है जिस मिट्टी का प्रयोग चावल के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता मिट्टी का नाम बताइए शुष्क मिट्टी नदी जड़ोल मिट्टी लवड़ीय मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी इनमें से तीन मिट्टी ऐसी हैं जो कॉमन है वो तीन मिट्टी ये है जो कॉमन है लेकिन शुष्क मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें आप ड्राई मिट्टी ड्राई मिट्टी में चावल हो नहीं सकता क्योंकि चावल एक ऐसी खेती होती है जिसमें दोस्तों जो वाटर लेवल होता है या इसमें दोस्तों जो पानी की खपत होती है वो सबसे ज्यादा होती है याद रखना अगर आपके पेपर में यह कह दिया जाए सर एक बात बताइए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी होती है अगर आपसे कह दिया जाए चावलों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है उस मिट्टी को हम लोग दोस्तों जरोड़ मिट्टी के नाम से उस मिट्टी को हम लोग जलोड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं आप लोग याद रखिएगा ठीक है जलोड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं आप लोग याद रखिएगा आगा खा पैलेस जो भारत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में काम करता था किस राज्य में स्थित है सोचिए आगा खा जो पैलेस है वो भारत में के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के लिए काम करता था भारत के अंदर जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित इनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता था तो जेल के रूप में काम करता था किस राज्य में स्थित है बताइए किस राज्य में स्थित है बताइए ठीक है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है सृष्टि जी का आंसर बेस्ट बंगाल आया है और कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकता है नंबर एक पर सही आंसर आता है गुड़िया गोविंद उपाध्याय जी का नहीं नंबर एक पर क्वेश्चन का आंसर जुनेद खान जी का फिर फिर आता है गोविंद उपाध्याय जी का फिर सही आंसर आता है जुनेद खान जी का फिर डीसी किंग गेमिंग जी का तो महाराष्ट्र क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो दोस्तों एकदम करेक्ट होगा आपको याद रखना है हमारे भारत में आगा खा जो पैलेस है जो स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए जेल में डालने के लिए प्रसिद्ध था यह भारतीय राज्य वर्तमान में दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर स्थित है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा कब किया गया इसका सबसे ज्यादा प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया किसमें किया गया था भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारे भारत के अंदर हुआ जिसमें अंग्रेजों को अंग्रेजों को भगाना हमारा प्रमुख लक्ष्य था उसमें अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा दोस्तों इसको आप प्रयोग किया था अगर कह दिया जाए मेड बाय इसको बनवाया किसने था और कब इसको याद रखना अठारह में इसको अठारह में सुल्तान मोहम्मद याद रखना आगा खां जिसको हम लोग याद रखना दोस्तों आगा खा तृतीय के नाम से जानते हैं के द्वारा इसको बनवाया गया था ये याद रखना बाद में वन 9 में क्या कर दिया गया ब्रिटेन के द्वारा सरकार चलाई जा रही थी ये दोस्तों याद रखना ब्रिटेन को मत याद नहीं की कह सकते हो कि आगा खाने ने में उन्नीस में सॉरी उन्नीस में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इसको सरकार को दान कर दिया गया तब से इसका प्रयोग भारत सरकार के द्वारा दोस्तों किया जाता है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी एकमात्र ऐसी भारतीय महिला का नाम बताइए जो माउंट एवरेस्ट के शिखर शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी आंसर क्या होगा अदिति वैद्या नाम है या फिर नंदिता मंजुमदार नाम है दिया बजाज नाम है या फिर इनका नाम बछेंद्री पाल है नाम क्या होगा बताइए सर जी नेटवर्क इशू है बेटा आपकी तरफ तरफ होगा मेरी तरफ तो सही है उधर होगा यहाँ तो परफेक्ट नेटवर्क है चलिए मुझे एक क्वेश्चन बताइए गोविंद तो टॉप पर है नंबर दो पे हमारे जुनैद जी है नंबर तीन पर आंसर आता है उर्मिला जी का गलत हो गया सृष्टि जट जी का तो याद रखना आदिति नाहिदा दिया या फिर पाल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो पाल याद रखना बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम कब की बात है ये बात आपको याद रखनी है 23rd of May, 23 ऑफ मई 181984 23 मई 1984 को इन्होंने दोस्तों क्रॉस किया था अगर मैं आपसे ये कह दूं मेल का नाम भी बता दो मेल का नाम क्या है तो मेल याद रखना 1965 में ये चढ़े थे इनका नाम क्या है दोस्तों याद रखना अवतार एम अवतार इनका नाम था दोस्तों अवतार एम ये लेफ्टिनेंट थे प्रथम भारतीय अगर आपसे कह दिया जाए दोस्तों दो बार चढ़ाई करने वाली महिला अगर आपसे कह दिया जाए दो बार चढ़ाई करने वाली भारतीय क्या है तो नाम याद रखना दोस्तों संतोष यादव संतोष यादव इनका नाम है पहली बार 10 मई 1993 को इन्होंने दोस्तों चढ़ाई की थी प्रथम भारतीय महिला विकलांग का नाम क्या है प्रथम भारतीय महिला विकलांग कोई महिला दोस्तों पार किया हो उनका नाम होगा अरुणेमा सिन्हा सिन्हा ये उपलब्धि इनको 2013 में दोस्तों प्राप्त हुई विकलांग होकर सर जी वित्त विधेयक को इसके आरंभ होने के कितने दिनों के भीतर संसद के द्वारा पारित किया जाना है नब्बे पचहत्तर साठ या फिर आपका पचास कुल मिलाकर कितने दिन की वैधता होती है बताइए ठीक है डीसी किंग जी क्या रुकी है तो तो आपकी मैंने क्वेश्चन इतना सा पूछा है कि वित्त विधेयक को इसके आरंभ होने के कितने दिनों भीतर के भीतर संसद के द्वारा पारित किया जाना चाहिए गोविंद उपाध्याय आंसर आ रहा है नंबर दो पर रोहित टाइगर नंबर तीन पर उर्मिला सबके गलत हैं डीसी किंग गलत सबके आंसर गलत अभी तक टॉप पे कोई नहीं है नब्बे नहीं पचहत्तर क्वेश्चन का आंसर होगा तो याद रखना केवल 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 आपको सेवेंटी फाइव डेज चाहिए और इसके अंदर अंदर आपको पारित करवाना ही पड़ेगा कहां पर पारित होता है तो हमेशा याद रखना धन विधेयक का समान सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से है मतलब आर्टिकल नंबर इक्कीस से यह बात आपको याद रखनी है जी इसकी परिभाषाएं धन विधेयक इत्यादि की हम लोगों को परिभाषाएं पे पर देखने के मिलेंगी आर्टिकल 110 में पढ़ने पर मिलेंगी कार्बेट राष्ट्रीय निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का वो टाइगर रिजर्व है जो उन्नीस में दोस्तों बनके तैयार जो उन्नीस छत्तीस में जो वन थर्टी सिक्स में बनके तैयार हुआ इसके अंदर भारत की पहली बाघ परियोजना उन्नीस में चलाई गई ये भारतीय राज्य याद उत्तराखंड के अंदर स्थित है मिट्टी का पीएच डैश जोड़कर बढ़ाया जा सकता है अगर आप मिट्टी के पीएच को बढ़ाना चाहते हो तो निम्नलिखित में से उसमें ये जोड़ दो तो बताइए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसको जोड़ दिया जाए जिससे मिट्टी का जिससे मिट्टी का जिससे मिट्टी का पीएच बढ़ जाएगा बताइए नियर जी आपकी तरफ है यहाँ पर कोई इशू नहीं है ऐसा तो मिट्टी का पीएच अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा जिससे मिट्टी का पीएच बढ़ जाएगा बताइए जिससे मिट्टी का पीएच बढ़ जाएगा ऐसा क्या करना चाहिए मिट्टी का पीएच बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए आंसर उत्तराखंड आ रहा है मतलब उत्तराखंड चाहिए जानकी गुप्ता बहुत बढ़िया गोविंद उपाध्याय बहुत बढ़िया और फिर नंबर तीन पर आंसर आता है किसी का नहीं सिर्फ दो ही आंसर चलिए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है रेत गलत होगा यूरिया गलत होगा ठोस भी गलत होगा क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो मेरे चूना पत्थर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपके पेपर में यह कह दिया जाए मिट्टी का पीएच मान कहां से कहां तक होता है हो सकता है एक से लेकर चौदह तक मिट्टी का पीएच मान हो सकता है तटस्थ कितना होता है परफेक्ट कितना होता है तटस्थ याद रखना दोस्तों मिट्टी का पीएच मान सात मापा जाता है अगर आप किसी भी मिट्टी पर कृषि करते हो तो उस मिट्टी का पीएच मान आपको कितना चाहिए जिस मिट्टी पर खेती करते हो उसका पीएच मान पांच दशमलव से सात के मध्य होना चाहिए सात नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए अगला है हथनी कुंड निम्नलिखित में से किस नदी पर दोस्तों बनाया गया है एक डैम है जिस डैम का नाम है डैम 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 वो देम है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया और किस राज्य के अंदर बनाया गया बताइए नेम इज हथनी कुंड रिलेटेड टू विच स्टेट विच स्टेट एंड बिल्ड ऑन विच रिवर हथनी कुंड यमुना महानदी या फिर आपके कृष्णा या फिर आपके कावेरी सबसे बड़ी बात याद रखना दोस्तों यह भारतीय राज्य राजस्थान हरियाणा के अंदर स्थित है डैम डैम वो देम है जो याद रखना यमुना नदी पर दोस्तों बनाया गया है अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा अगला है दोस्तों पुल्ली कली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है पुल्ली कली इसका नाम है बताइए पुल्ली कली इसका नाम है किस भारतीय राज की दोस्तों लोक कला है बताइए आज इस क्लास को हम लोग एक घंटे तक लेंगे ठीक है और कल से आप मेरे साथ फिर से घंटे क्लास को कवर करना क्योंकि आज का जो मौसम है वो बिगड़ा हुआ है ठीक है मौसम बिगड़ा हुआ का मतलब ये है कि ऐसा होता है ना बाइक चला के आओ ना तो हालत खराब हो जाती है शरीर की 100-200 किलोमीटर आप जानते ही हो तो इसलिए शरीर बहुत ज्यादा मेरा थका हुआ है लेकिन मैंने वादा किया था आपसे ठीक है जैसा मैंने जे, जो जो आज तक मैंने वादे किए मैंने आपके हर वादे को दोस्तों पूरा किया है।, है कि इंडिया में आज तक ऐसा वादा किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट से ना किया हो तो पुल्ली भारत के निमि में से किस राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है आंसर बिना दे के मार दो पुल्ली का संबंध भारत के याद रखना दोस्तों दक्षिण में केरल राज्य से बन जाता है इस पुलिकली को क्या कहा जाता है इसको याद रखना दोस्तों बाघ इसी को हम लोग बाघ नृत्य के नाम से इसी को हम लोग बाघ नृत्य के नाम से भी जानते हैं हो गया पॉइंट अच्छा है याद रखना अगर आपसे कह दिया जाए अब क्या बाकी तो पेंटिंग होगी छोड़ दो भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया था भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश था भारत के अंदर ऑनलाइन गेम खेलने वाला सबसे बड़ा जो शहर था उसको हम लोग एल यू सी डब्ल्यू के नाम से जानते थे भारत के अंदर ऑनलाइन गेम को बैन करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना उस राज्य का नाम याद रखना आपका तमिलनाडु था अगला है दोस्तों क्वेश्चन आपसे लोकसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार समय कितना होता है लोकसभा के दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितना समय होना चाहिए एक सत्र हो गया अगला सत्र तब होगा जब इतने दिन बीत जाएंगे कम से कम एक वर्ष साठ दिन छह महीने या फिर आपके छह सप्ताह बताइए अगर आपके पेपर में कह दिया जाए कि संसद के अंदर टोटल कितने सत्र हो सकते हैं तो याद रखना टोटल एक ईयर में किसी भी संसद में एक ईयर में सिर्फ और सिर्फ याद रखना तीन सत्र का आयोजन ही हो सकता है याद रखिए आंसर आ रहा है छह महीने सजी सम्राट जी की कल किसी ने ईंट से सिर पर मार दिया अच्छा बात करते हैं अभी एक साल गलत होगा साठ दिन गलत होगा छ महीना जो होगा दोस्तों वो क्वेश्चन का आंसर होगा तो आर्टिकल याद रखिए सिक्स मंथ इज द करेक्ट आंसर हाल ही में कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है दोस्तों उस देश को अभी भी हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं भारत की संविधान सभा के सदन समिति के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है भारत की संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है जवाहरलाल नेहरू पी पट्टाबी सीतारामैया एन गोपाल स्वामी अयंगर उनका नाम था तो आंसर दोस्तों निम्नलिखित में से क्या होगा बताइए संविधान सभा के सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे के एम मुंशी देखो इस जो ऑप्शन दे रखा है ना इस ऑप्शन को देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन ही गलत है आंसर सचदानंद सिन्हा होगा आंसर क्या होगा याद रखना दोस्तों आंसर जो जो होगा होगा वो आपका सिन्हा वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा अगला भारत हाल ही में नीलमणि फूकन का निधन हो गया उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चलो आप लोग ये क्वेश्चन बताओ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब और इसी व्यक्ति को उन्नीस में पद्मश्री पुरस्कार से किस पुरस्कार से इसी व्यक्ति को याद रखना उन्नीस में पद्मश्री पुरस्कार से भी दिया गया था बताइए आंसर क्या होगा सर इतनी सी बात है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किस वर्ष का दिया गया है आंसर 2020 तो आ रहा है ठीक है बीस का दिया गया ठीक है बीस का दिया गया इनका निधन जो हुआ है दोस्तों याद रखना नवासी वर्ष की उम्र में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ब्याड किस राज्य के अंदर स्थित है सिजू पक्ष ब्याड का संबंध भारतीय राज्य मेघालय से सबसे पुराना है नॉर्थ ईस्ट का गौतमी पुत्र सतकर्णी एक डैश शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी थे एक डैश शासक थे कहाँ के शासक थे मौर्य पूर्वी गंगवंश के पार्थियन के या फिर आपके सात वाहन के आंसर क्या होगा बताइए गौतमीपुर सकिंड जो थे एक डैश शासक थे कहा के शासक थे मौर्य पूर्वी गंगा पार्थियन या फिर आपके सात वाहन तो मौर्य पूर्वी गंगा हटा दो पार्थियन हटा दो सात वाहन क्वेश्चन का आंसर होगा और वो भी सात के याद रखना दोस्तों तेईसवे शासक थे वो भी सात वाहन के याद रखना तेईसवे शासक थे जिनको हम लोग गौतमी पुण के नाम गौतमी पुत्र के नाम से जानते हैं किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय आप किसको देते हो वन में हम देते हैं उस व्यक्ति का नाम दोस्तों जेम्स फ्यूजूल होगा नहीं जे चैडविक आंसर क्या होगा जेम्स चैडविक आप लोग आंसर दोस्तों मारोगे नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है सबसे गरीब राज्य भारत का बिहार सबसे ज्यादा लोन लेने वाला भी स्टेच्यू ऑफ प्रोपरसिटी को किस शहर में स्थापित किया गया जिसको समृद्धि की मूर्ति कहा जाता है बताइए किस राज्य से रिलेटेड है किस राज्य से रिलेटेड है स्टेच्यू ऑफ प्रोपरसिटी आंसर बताइए मैं अभी आया पानी लेके काम पढ़ाना है आपको बर्बाद करना नहीं ठीक है जब सीजीएल आएगा आपको बता दिया जाएगा सीजीएल पर मेरा एक सेशन ऑलरेडी अले, हो चुका है पिछली बार एसएससी एस सी सीजीएल फ्री और मेंस में। दोनों इवेंट हो चुके हैं मेंस में 25 में से 23 क्वेश्चन फंसे हैं और प्री में 25 में से 24 क्वेश्चन फंसे हैं क्लास के और अब की बार मैं सीजीएल खुद दूंगा ध्यान रखना समझ गए चलिए एक मिनट आया लेकिन फेल भाई जी फेल स्टूडेंट जी अच्छा कोई बात नहीं लेकिन अगर आप चाहते हो ना मैं वीडियो कुछ इस प्रकार से ठीक है तो बहुत जल्दी आपको मैं स्पेशल वीडियोस जो भी होंगी वो सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध होगी हर सेशन से की ठीक है परेशान मत हो फेल जी लेकिन इतना याद रखिएगा अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं क्लास में नए हैं या फिर आप ट्वेल्थ पास आउट करके आए हैं अगर आप ट्वेल्थ पास आउट करके आए हैं तो ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो एक बात हमेशा याद रखना ट्वेल्थ के बाद जो बच्चा होता है वो बेचारा गुम रहा होता है और उस बच्चे को तैयारी करते 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 जब दो तीन साल बीत जाते हैं तब बेचारे को पता चल पाता है कि तैयारी करनी कैसे थी और एक समय ऐसा आता है कि उसको समझ नहीं आता कि उसको अब क्या करना चाहिए ठीक है लेकिन आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें निकल चुकी हैं ट्वेल्थ का एग्जाम आपने तब दिया जब लोकसभा के इलेक्शन है और इसके बाद चीजें सब बदलने वाली हैं और ये साल अंतिम साल है अगर आपने 10th पास की है तो आप बस तैयारी करो सीएचएसएल या एमटीएस इन दोनों में से कोई एक नौकरी ले लो डिपार्टमेंटल एग्जाम के साथ अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाना अभी से मैं कह दे रहा हूं क्योंकि तो बेटा इसके बाद नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होगी इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप क्या करो सिस्टमैटिक चीजें चलाइए सीजीएल हो सीपीओ हो एग्जाम चाहे जो भी हो मेरी क्लास का बच्चा फेल नहीं होगा मेरे सब्जेक्ट में ये मैं हैंड रिटन तौर पर गारंटी देता हूं अगर आप मेरी बात प्रॉपर मानते हो तो ठीक है और आपको ज्यादा नहीं पढ़ना बस मेरे साथ दो क्लासेस में रेगुलर रहना है डेली और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होगी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी गारंटी पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं ले सकता क्योंकि तो जीके चीज बहुत बड़ी होती है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जीके चीज मेरे लिए बस इतनी सी है एग्जाम आपका होगा स्क्रीन मेरा होगा मैं मैं ये बात आपसे हमेशा कहता हूँ ठीक है भैया तो परेशान मत होइए रेगुलरिटी बना के रखिए जो होगा देखा जाएगा देखा नहीं जाएगा देखूंगा मैं एग्जाम आप देना खुश चलिए तो समृद्धि की मूर्त की जब बात की जाती है तो आंसर जो आपका होगा वो मुंबई हो, आ, आ, आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा दोस्तों समृद्धि की मूर्त का हाँ समृद्धि की मूर्त जो है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है याद रखना ये मुंबई में है या बेंगलोर में ये आपके बेंगलोर के अंदर स्थित है इसको ऑफ के नाम से जानते हैं ये किस पर आधारित है तो याद रखना ये आपके नाद प्रभु पर यह आपके नाद प्रभु पर आधारित है जिनको आप लोग कॉम्पे जिनको आप लोग कॉम्पे क्यों कैंपे जिनको आप लोग कैंपे गोंडा के नाम से के नाम से दोस्तों जानते जिनका कार्यकाल 1510 से लेकर पंद्रह तक चल, तक चलता है कहा जाता है कि इनके द्वारा बेंगलोर की स्थापना की गई थी ये बेंगलोर के संस्थापक हैं तथा दोस्तों बेंगलोर के आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला से संबंधित व्यक्ति हैं ठीक है ठीके? कहा जाता है मंदिरों की वास्तुकला के संदर्भ में मंत्रों की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा होता है मंत्रों की जब वास्तुकला की बात करते हैं हमारे भारत के अंदर तीन मेजर रूप मंदिरों के देखे जाते हैं तीन जो मेजर रूप होते हैं उसमें से एक रूप होता है जिसको हम लोग दोस्तों नागर के नाम से जानते हैं एक होता है जिसको हम लोग द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं इन दोनों को जो मिक्स किया जाता है तब एक शैली बनती है जिसको हम लोग वेसर शैली के नाम से जानते हैं तो भारत के अंदर दो ही शैलियां लेकिन दोनों को मिलाकर एक तीसरी का निर्माण होता है जिसको हम लोग वेसर कहते हैं तो इनके बावजूद और भी हैं लेकिन एग्जाम वेड यही है तीसरा पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी मंदिर में एक ही चीज होती है जिसको हम लोग गृह के नाम से जानते हैं जब जब लड़का और लड़की की शादी होती है लड़का और लड़की की दोस्तों जब शादी होती है और वो शादी मंदिर में कराई जाती है तब उनको जो आशीर्वाद दिलाया जाता है वो मंदिर के गर्भ गर्भगृह में ले जाकर कराया जाता है ये बात हमेशा याद रखना ठीक है गर्भ गर्भग्रह में ले जाकर कराया जाता है पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है पीएच स्केल का उदासीन मान जो होता है वो सात के बराबर होता है चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाई जाती है जो सबसे बेहतर मिट्टी होती है चाय और कॉफी को उगाने के लिए आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैंने पूछा है चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाई जाती हैं शुष्क काली जलोड या फिर आपकी लैटेराइट मिट्टी में किस मिट्टी में इनको उगाया जाता है बताइए राजमिष्टी टॉप पर है उर्मिला नहीं टॉप पर है गोविंद उपाध्याय उसके बाद आंसर आता है लोकेन्द्र भैया जी का ठीक है क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है शुष्क होगा होगा नहीं होगा, काली नहीं होगा जरूर नहीं होगा लेटराइट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर है पुल्ली भारत के निर्मित में से राज्यों में से किस राज अरे ये तो हो चुका है पुल्ली आपका कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था जिसने प्रसिद्ध कविता हस्त बिहिस्त लिखी थी बताइए अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों जो है उसका एक दरबारी कवि था उस दरबारी कवि ने एक पुस्तक लिखी थी प्रसिद्ध कविता थी उस कविता का नाम था हस्त हस्त आप बस इतना बता बता दो दो या तो ये बता दो कि के लेखक का नाम क्या है या ये बता दो कि अलाउद्दीन खिलजी का वो दरबारी कवि कौन था बात दोनों एक ही है हाँ अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन था बहुत सारे थे उसमें से इंपॉर्टेंट वो बताओ जिसने हस्त भीस लिखी थी

आगा शासन अमानत गलत होगा अमीर खुसरो क्वेश्चन का सर सही होगा इनको कव्वाली का जनक भी कहा जाता है फादर ऑफ कव्वाली भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य दोस्तों जो है उस वो बताइए जिसको इंग्लिश में लोग मोटो कहते हैं जैसे एयर फोर्स का है टच द स्काई विद द ग्लोरी है ना टच द स्काई विद द ग्लोरी ठीक है इसी प्रकार से व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड बताइए ऑप्शन है सैम नो वरणाम मृत्यु तक कर्तव्य व्यम रक्षाम सेवा सुरक्षा और भाईचारा ठीक है वर्षा जी कह रही हैं सर जी आई हैव वन रिक्वेस्ट प्लीज एक इवेंट लद्दाख के ऊपर भी करिए प्लीज लद्दाख में सोनम वांगचुक जी 21 दिन से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं बट कोई मीडिया कवरेज नहीं है वर्षा जी ठीक है इस पर हम लोगों ने काफी ज्यादा विचार किया है तो कल वाली जो क्लास होगी कल आपको लद्दाख पर 21 दिन आई थिंक वर्षा जी इक्कीस दिन आज अंतिम दिन था उनका तो आज की टिप्पणी क्या रही क्यों रही कौन कौन से इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल वहां पर इंपॉर्टेंट है कौन से अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्य का दर्जा मांगने की कंडीशन कौन कौन सी है जम्मू कश्मीर में लैंड से संबंधित इन्वायरमेंट से संबंधित कौन कौन से खतरे अवेलेबल हैं उन सभी पर हम लोग दोस्तों कल एक इवेंट करके एक मुद्दा लेके आएंगे जिस मुद्दे को हर भारतीय तक हर भारतीय नजर में वो मुद्दा पहुंचना चाहिए ठीक है भैया तो कल मैडम ये मुद्दा आपका आ जाएगा ठीक है चलिए ठीक है चलिए बिंदास जी मेरे भाई अगर सब कुछ राजनीति ही होती तो आप यहां नहीं होते ठीक है और अगर ये राजनीति है तो सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को तो वो भी पॉलिटिक्स है फिर तो <laughs> खैर आप नहीं समझोगे आपके अंदर सिर्फ अभी एक ही एक ही भूत है सरकारी नौकरी का एक बार आपको मिल जाएगी ना फिर आपको पता चलेगा कि रियलिटी कंडीशन ऑफ इंडिया क्या है भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है आदर्श वाक्य याद रखना उसको हम लोग वयम रक्षाम कहते हैं क्या कहते हैं वयम रक्षाम क्वेश्चन है इनग्लोरियस एम्पायर किताब किसके द्वारा लिखी गई है एक पुस्तक जिसका नाम है इंग्लोरियस एम्पायर इतना बताइए इस बुक पुस्तक को किसने लिखा करण सिंह ने अरुण सौरी ने शशि थरूर ने या फिर आप के द्वारा बताइए किसके द्वारा सर पॉलिट सर पॉलिटिक्स तो ही है अच्छा ठीक है हमारे भारत में हमारे भारत में जो भारत का ताज है हमारे भारत के अंदर जो भारत का ताज है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है जिसमें से पूरा का पूरा एरिया लद्दाख का छोटा सा एरिया वो एरिया जो एरिया सिर्फ और सिर्फ किसका है जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर में स्पेशल तौर पर हर चीज की व्यवस्थाएं प्रोवाइड की जा रही हैं और लद्दाख को वहीं पर इग्नोर किया जा रहा है इसलिए लद्दाख में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया उन लोगों के द्वारा हंगर स्ट्राइक की जा रही है हंगर स्ट्राइक की जा रही है उसमें हमारे वांगचुक जो भी इनका नाम है वो वहां पर अवेलेबल है ताकि वो लद्दाख के लैंड को बता सके जलवायु परिवर्तन से संबंधित टिप्पणियां जो हो रही हैं उनसे लद्दाख को भी बचाया जा सके ये सारी चीजें वहां पर है ये पॉलिटिक्स है मतलब अगर एक इंसान मतलब जैसे जीरो भैया कह रहे हैं सर पॉलिटिक्स है मतलब जीरो भैया जी के घर पर जो सरकारी नौकरी की मांग ये कर रहे हैं नौकरी दी जाए सबको नौकरी मिलकर इनसे नौकरी ले ली जाए और कहा अब फिर ये बाहर चिल्लाएं कि नौकरी मुझे नहीं मिल रही क्यों नहीं मिल रही और वहीं पर मैं कह दूं भाई तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो है? और फिर उठा के आपको बंद कर दिया जाए कैसा लगेगा सेम समझ लो वो वत है कि आप लोगों के दिल में देश के प्रति भावनाएं नहीं है ठीक है कुछ हैं देश के प्रति सौ में से नब्बे परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो लोग ये कहते हैं ना मैं देश के लिए कुछ भी करना चाहता हूं इसीलिए मैं आर्मी में भर्ती होना चाहता हूं ताकि देश के लिए बहुत कुछ कर सकूं ये सब बातें होती हैं सौ में सिर्फ और सिर्फ एक परसेंट व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देश के प्रति ही होते हैं सिर्फ एक परसेंट बाकी नाइन्टी नाइन परसेंट का क्या होता है उसमें मैं क्या एक फुल के बता दू आपको मैं बताना नहीं चाहता चीजों में ठीक है कोई मतलब नहीं बनता है चीजों का चलिए तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा इंग्लोरियस जो एम्पायर पुस्तक है इस पुस्तक को याद रखना शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है किस राज्य का जिला बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना था कर्नाटक तमिलनाडु राजस्थान या फिर आपका मध्य प्रदेश आंसर बताइए क्या होगा ठीक है आंसर बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन का क्या होगा बुरहानपुर मध्य प्रदेश ठीक है कर्नाटक तमिलनाडु राजस्थान तीनों को हटाकर मध्य प्रदेश क्वेश्चन का आंसर रखिए। है साद्री का दूसरा नाम क्या है सादरी का दूसरा नाम क्या है अरावली श्रेणिया पूर्वी घाट विद्वंस श्रेणी या फिर आपका पश्चिमी घाट तो सादरी का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग दोस्तों पश्चिमी घाट के नाम से पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है बास इंडिकस के नाम से जानते हैं हम लोग गाँव गाय के साइंटिफिक नेम को बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है जिसको हम लोग बाली यात्रा कहते हैं बाली यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बाली यात्रा का संबंध भारत के किस राज्य से रिलेटेड है बाली घाट का संबंध बताइए कहां से है ठीक है बाली सॉरी बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है या निकाली जाती है आंसर उड़ीसा है कोई चलिए गोविंद उपाध्याय टॉप पर है तो याद रखना उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर जहां पर बाली यात्रा को दोस्तों निकाला जाता है शेर शाह द्वारा किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है शेर शाह ने दोस्तों चांदी के सिक्कों को शुरू किया था इन चांदी के सिक्कों को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया टका नाम दिया गया रुपया नाम दिया गया मोहर नाम दिया गया या इनको दोस्तों दिनार नाम दिया गया निम्नलिखित में से इनको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया है निम्नगत में से इनको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया था रुपया नाम दिया गया था ठीक है दोस्तों याद रखना टका गलत होगा रुपया जो होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपया नाम दिया गया था दक्षिणम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है बात आती है दोस्तों आपके दक्षिणम ज्योतिर्लिंग मंदिर की दक्षिणम ज्योतिर्लिंग मंदिर का संबंध किससे है देखो ज्योतिर्लिंग मंदिर हमारे भारत के अंदर जो है उन सबका है टोटल ज्योतिर्लिंग मंदिरों का संबंध याद रखना बारह मिलाकर बारह ज्योतिर्लिंग मंदिर आपको देखने को मिलेंगे लेकिन दक्षिण भारत में ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में है मैंने आपसे ये पूछा है क्वेश्चन के आंसर में टॉप पर है नंबर दो पर गोविंद उपाध्याय नंबर तीन पर जो आंसर आता है वो आंसर आता है हमारे लोकेन्द्र जी का ठीक है तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आर की स्थापना दोस्तों हुई थी 2006 में एन का मतलब होता है किसी राज्य में भीषण आग भीषण पानी बाढ़ है ना ये सारी चीजें जब वैश्विक आपदाएं आती हैं प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जो टीम ऐसा नहीं कि आर्मी आ जाएगी नहीं

और जैसे ही दर्जा मिला वैसे ही भारत के अंदर ब्लू टैग वाले दीपों की संख्या बढ़कर बारह हो गई नाम क्या है कदमत जुहू कपड़ मरीन ड्राइव ईडन और मिनिकाय थोड़ी कदमत और मिनिकाय थोड़ी तो याद रखना दोस्तों एक तो आपका थोड़ी है और एक आदपा कदमत है यहाँ पे जुहू नहीं है कदमत और मरीन होगा नहीं ईडन होगा नहीं कदमत और मीनिकायत थुड़ी कदमत और कदमत और मीनिकायत थुड़ी सही है संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई सौ सैतालीस देखो छियालीस तो एक ही ऑप्शन है बिल्कुल सही है तो ये तीनों ऑप्शन आप गलत हो जाएंगे जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है निर्मला सीतारमन यानी कह सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर दोस्तों काम करता है याद रखिए यून यूनाइट यूनियन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री आंसर सही होगा यहाँ पर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी लिखा है ये गलत होगा अगला देखिए बैडमिंटन का वर्तमान शास्य निकाय कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बैडमिंटन खेलों का आयोजन करता है निम्नलिखित में से कौन सा वो निकाय है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इंटरनेशन इंटरनेशन इंटरनेशनल बैडमिंटन कमेटी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी निम्नलिखित में से क्या नमक भैया क्या हुआ बताइए पहले मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है फिर मैं आगे की बात बताता हूँ आपको ठीक है पहले आप मुझे प्रॉब्लम बताओ तो बैडमिंटन का वर्तमान सासी जो निकाय है कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है उस संगठन को हम लोग कहते हैं बी क्या कहते हैं बी जिसको हम लोग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जानते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन है इसकी स्थापना थर्टी फोर्थ को हुई थी थर्टी फोर को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वो फेडरेशन है इसके अंदर एक सौ चौरानवे सदस्य देश हैं इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखना कुआला कुआला लुमपुर में है कुआला लुमपुर का संबंध भारत के किस दुनिया के किस देश से है मलेशिया से इनका संबंध है इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है इसके प्रेसिडेंट का नाम पॉल क्या नाम है पॉल एरिक ठीक है ठीक है चले सर जी क्वेश्चन में दिमाग गोल हो जाता है अच्छा देखो नमक भैया जी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ वो ये है बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है किस स्थान पर बताइए बीबी का मकबरा आप ये पूछते हो ना कि सर आप क्वेश्चंस कहाँ से लाते हो मेरे भाई जो आपके रिसेंटली एग्जाम होते हैं डेली जितनी न्यूज आती है उसके बाद जो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ इन सब तीनों चीजों को मिलाकर जो मिक्स डाटा बनता है उस मिक्स डाटा से दो चीजें निकलती हैं। टॉप टेन क्वेश्चन और याद रखना 25 क्वेश्चन निकाल के लाता हूं स्टैटिक जीके के, के और बस यही दोनों चीजें कोई भी बच्चा सिर्फ तीन महीने मेरे साथ रेगुलर पढ़ ले सिर्फ तीन महीने आप पीसीएस पूरा क्वालिफाई कर जाओगे जिसमें से नब्बे से पचानवे परसेंट क्वेश्चन आपको अपने क्लास से देखने के लिए मिलेंगे नब्बे से पचानवे परसेंट ठीक है और फिर चाहे देखो अभी कौन कौन सा एग्जाम है डी ट्रीप्लस बी का फेस ट्वेल्व एस एस सी सी पी ओ स्टेनो सी जी एल सी एच एस एल सारे एग्जाम है ना जितने भी एग्जाम है इन सभी एग्जाम को मैं अकेला इस भारत वर्ष में अकेला मैं ऐसा फिलहाल में टीचर होऊंगा जो बच्चों से इतना बड़ा कमिटमेंट कर बैठा कि बेटा आप पढ़ रहे हो आपको परेशानी के सर आपको क्या है? पढ़ा के निकल जाओगे पेपर तो हमें देना होता है इसलिए मैं खुद आपकी बार पेपर दूंगा और जिसमें दम है पेपर को टफ बनाने की बना ले जिसमें जितनी दम हो जिस एग्जामिनर में दम हो वो पेपर को उतना टफ बना ले और मेरी क्लास से बाहर करके दिखा दे पेपर मुझे फेल करके दिखा दे मैं चैलेंज देता हूं सरकार को अब क्या चाहिए आपको दैट्स इट यार इतना बड़ा चैलेंज सोच रहे हो अब सोच लो यार क्या चिंता तो बीबी का मकबरा की जब बात आती है तो याद रखने है आपके औरंगाबाद में स्थित है औरंगाबाद कहां पर मिलेगा आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबीआई के द्वारा अनापृतण किए गए पोर्टल का नाम क्या है लावारिस जमाओं का मतलब क्या होता है बैंक के पास आरबीआई के पास जो विभिन्न प्रकार के लावारिस चीजें जमा है लावारिस पैसा जमा है जिनका कोई लेखा जोखा ही नहीं करता उनको ट्रैक करने के लिए पूछा गया कि आरबीआई द्वारा अनावरण उनको ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया था उस पोर्टल का नाम क्या होगा ये बता दीजिए उस पोर्टल का नाम क्या होगा आप मुझे बताएंगे उस पोर्टल का नाम है उदगाम रुपया जन्म या फिर उदय चलिए क्वेश्चन का आंसर सही आता है राज फिर आंसर आता है सशिर कुमार बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया आप उदगाम क्वेश्चन का आंसर होगा उदगाम का एक फ्लेट, आ, फुल फॉर्म भी था फुल था फुल फॉर्म अनक्लेम्ड डिपोजिट ये था आपका यू डी का अनक्लेम्ड डिपोजिट जी ए एम का फॉर्म था गेटवे टू एस एस ए का मतलब है एस एस और एम का मतलब है एम का मतलब था एसएस इंफॉर्मेशन फार्मूला के इसका मतलब था एसएस इंफॉर्मेशन मनुष्यों में रक्तचाप मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताइए गैल्वेनोमीटर का डायोप्टर का पर किया जाता है रक्त मापी का या रक्त दाब मापी का इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑफलाइन कमेंट करके बताना ऑफलाइन कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना क्योंकि okay, आज की क्लास में 10-15 मिनट पहले से ही उससे 10-15 मिनट पहले से आ, से ऑफ कर रहा हूँ और 10-15 मिनट पहले ऑफ करने का मतलब यह है बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ अभी मुझे कंटेंट पर काम करना है क्योंकि मंडे को कर क्लास हुई नहीं है मंडे कुछ क्लासेस तो हुई है लेकिन करंट डाटा नहीं मिला मंडे ट्यूजडे आज क्लास नहीं हुई है कल कौन सा दिन है आपका आपको पता ही है ठीक है तो कल वाली सोमवार मंगल बुधवार इन तीनों दिन को मिलाकर कल सुबह में आपको इन तीनों दिन की करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं ताकि क्वेश्चन दो दिन के जो है वो आपके छूटे ना तो ये मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देना दूसरी बात कल ऑन टाइम पर क्लास में मिलना मत भूलिएगा दोस्तों ठीक है कल आपकी क्लास ऑन टाइम पर होगी ठीक है कल की क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता ही है जो स्टूडेंट के सपने हो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट क्लास में एक बार सेशन को चौहत्तर बच्चे हैं, पचा, और पचास साठ लाइक हैं सबसे पहले से और मॉर्निंग में याद रखना कल की डेट आपको पता है सत्ताईस मार्च कर की डेट है तो सत्ताईस मार्च सुबह पांच बजे आप मेरे पास ऑन टाइम पर मिलोगे अपनी डेली करंट अफेयर के आपने अपनी क्लास में कल हम लोग रिवीजन कर लेंगे ये तीन दिन का रिवीजन नहीं जो क्वेश्चन ही नहीं करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट है छूटने नहीं चाहिए कल वो सारे पढ़ लेंगे परसों से प्रॉपर तरीके से वैसे ही क्लास स्टार्ट होगी जैसे आप मेरे साथ क्लास कवर किया करते थे ये आपका सेशन है तो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा यू ही आगे बढ़ते रहो परेशान आपको होना नहीं है और आगे बढ़ते रहिए बाकी जो होगा देखा जाएगा ठीक है भैया फिलहाल में ऑफ करते हैं नमक भैया जी मिलते रहिए डेली सभी लोग मिलकर जो क्लास में नए आए थे चैनल को लाइक सिर्फ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं तब तक यहाँ सभी को तहे दिल से जय हिंद जय बात वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद थैंक यू सो मच